तो भाई सबसे पहले मैं अपने इंट्रो करने से पहले तुम्हें एक चीज़ बताऊँ। तू मेरे पास इंस्टा पे डीएम कर रहे हो क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन कंप्यूटर में आ रही है, बट मेरा कंप्यूटर में इंस्टाग्राम खुल नहीं रहा है। सो भाई मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न क्या है एक बार मैं तुम्हें रीज़न भी दिखाई देता हूँ। भाई रीज़न है ये तुम देख रहे हो क्या, ये फ़ोन है बट भाई ये चेक, ये फ़ोन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल इसके अंदर कुछ नहीं बचा, ये टूट चुका भाई मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़त्म है। तो इस वजह से गाइज मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा इंस्टा पे। बाकी अब क्या ही कर सकता है, जब फ़ोन ठीक होगा तब एक बार खेल पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो भाई खेल नहीं पाएंगे साथ को। हाँ तो जय श्री राम गाइस सबको। तो भाई सबके क्या हाल चाल, फूफ की सब बढ़िया होंगे। तो यार जैसे पिछली वीडियो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सीन था, लास्ट का इतनी मुश्किल से गाइस 68 लेवल हुआ, और फिर क्या हुआ, एंडर ड्रैगन से हमें बीट करा, हमने एंडर ड्रैगन को एंड हम आए और ज़ोंबी के बच, इतने बड़े ड्रैगन को मारने के बाद हमें एक छोटे से ज़ोंबी के बच्चे ने मार दिया, जो कि हमें पता नहीं लगा कहाँ से आया कहाँ गया, रात का टाइम था जो मुझे दिखा नहीं प्रॉपर। सो फिलहाल भाई अभी चेक करते हैं हम गेम में कहाँ पे है और हम क्या रहे हैं। वैसे कर तो हम बहुत बेकार रहे हैं, जो हमारी भाई वो थी पिकैक्स डायमंड, वो गोल्डन पिकैक्स वगैरह, आ गोल्डन स्वॉर्ड जिसमें एन्चेंटमेंट लगी हुई थी वो सारी जा चुकी है क्रीपर से फटने के बाद। तो मेरे पास थोड़ा बहुत सामान रहता है, जैसे डायमंड हो गया, तो शुक्र है डायमंड है। हम अगर कहीं डायमंड चले जाता ना तो भाई ऐसी तैसी हो जाती। तो अभी फिलहाल गेम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हम कहाँ, मुझे लग रहा है मैं अभी भी पिट ही रहा हूँ। नो अभी 2 मिनट गेम स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ तो फाइनली गेम स्टार्ट हो चुका है एंड अभी मैं अपने बेड पे और लेवल चेक कर रहा हूँ साथ, और मेरा पीछे का सारा हिस्सा क्रीपरों ने भाई फोड़ दिया, मुझे वो भी रिपेयर कर रहा है एंड आज अपने घर को मॉडिफाई भी कर रहा है। एंड जो अपना घोड़ा आपा वहाँ छोड़ के आए थे भाई कहाँ पे, पेड़ के पास हम अपना घोड़ा छोड़ के आए थे भाई, वहाँ पे मुझे अपने घोड़े को भी लेने वाला, लीश वगैरह मैंने ले लिया एंड अभी फिलहाल आई थिंक रात हो रही है तो चेक करते हैं सोते हैं। हाँ तो रात ही हो रही है एंड मेरा भाई मुझे लग रहा है कि मेरा सूट वूट सब जा चुका भाई सब। एक बार मैं चेक करूँ, ये देखो आई थिंक भाई कसम से सब जा चुका भाई, कुछ भी नहीं है भाई, एक आयरन तक का सूट नहीं है मेरे पास और कोल्ड भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास ओनली डायमंड बचा, अगर ये भी मैंने खर्च दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे भाई, मुझे सबसे पहले वहाँ जाना पड़ेगा अपना जहाँ पे अपना टूटा हुआ एंड पोर्टल है, तो वहाँ से मुझे लाना पड़ेगा सामान। ये देखो वो तुम चेक कर रहे हो, ये सब क्या हो गया भाई हमारे घर के साथ। तो सबसे पहले मुझे जाना है कहाँ पे, उधर जाना है बिल्कुल उधर, तो अपना वो सामान लेके आना जो कि हमारा सामान गाइस खो चुका है, खोया ही क्या ही है, खाना भी नहीं खा रखा ऊपर से। अगर वहाँ पे भी आयरन का वो नहीं हुआ ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने लिया था ना तो मैंने, मुझे अच्छे से याद है मैंने अपना सामान लास्ट टाइम वहीं छोड़ा था। तो अभी चेक करते हैं वहाँ पे है या नहीं है। बाकी आयरन स्वॉर्ड इतनी अच्छी है हमारी कि एन्चेंट लगी हुई है तो अच्छा काम कर रही है, एन्चेंटमेंट लगी हुई है यानी एफिशिएंसी लगी हुई है आयरन स्वॉर्ड पे। तो एक बार यहाँ जाते हैं, इसके बाद हमें जाना है विलेज की साइड जहाँ पे हमें सामान लेके आना है। क्या हमें लेके आना है भाई, क्या लेके आना है, हाँ तो भूल गया क्या लेना था हमें, हाँ अपने घोड़ा लेके आना था। तो यहाँ काश हमारा आयरन का आर्मर हो, अरे लेदर का आर्मर है यहाँ। चलो अभी थोड़े से गरीब है तो भाई यही पहन लेंगे। अरे यार का गोल्ड का आर्मर था और का तुम देखो यार कहाँ पहुँचा दिया एक एंडर ड्रैगन के बच्चे ने यार मुझे भाई। अब दोबारा मेहनत करो, दोबारा माइनिंग करो, दोबारा ये सब करो भाई, यार इतना ऐसा थोड़ी होता भाई। वो बंदा रिस्पोन हुआ है कहीं, तो उसे 2 मिनट रिस्पोन हूँ तो पैसे पहले ही भाई इन्होंने वो भेज दिया क्रीपर, सॉरी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था इस वजह से कंट्रोल, सो सॉरी गाइस आई एम वेरी सॉरी।
मेरा घोड़ा बेचारा वो भी भूखा ही हुआ, उसको मैं कहाँ बंद करके आया हूँ। तेरा ट्रैक वो भी कह रहा होगा कैसे मालिक के पास हूँ मैं। मैं यहाँ खा रहा हूँ और मेरा घोड़ा बेचारा भूखा बैठा हुआ। मैंने अपने घोड़े को यहीं कहीं छोड़ा था आई थिंक, बस यहाँ होना चाहिए। घोड़ा कहाँ चला गया? अच्छा ऊपर है, जहाँ पे भी घर सा बनाओ ना वहाँ वहाँ हमारा घोड़ा है। एंड इज आवर होर्स। बेचारा यार इसको कितना टाइम हो गया भाई यहाँ पे। आई थिंक आयरन हमारे पास होना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास आयरन था। तो चलो अपना घोड़ा एकदम सही सलामत है, इसका हार्ट वर्ट सब बड़ा हुआ है। चलो इसको लेकर चलते हैं वापस। ओए ये तो घोड़े के हाड़ गिर रहे, मेरे नहीं गिर रहे। चलो बढ़िया है। इसको वापस घर पे लेके जाऊंगा मैं सीधा। इसे बेचारा खो गया था, खो क्या गया था, मैं छोड़ आया था इसे। घोड़े का भाई एक फायदा, स्पीड चेक कर रहे हो तुम। मैं 2 सेकंड में अपने घर आ गया, पर अगर यही मैं पैदल जा रहा होता ना तो भाई मुझे यहीं पे 5 मिनट तो लग, 1-2 मिनट लग ही जाते भाई। बाकी अपना घर चेक करो कि कूल सा लगता ना एकदम। आप पूरा है इसको पूरा फैलाएंगे भाई, बहुत तगड़ा बनाएंगे। बाकी पीछे अपना एंड पोर्टल, इसे भी मैं कवर करूंगा बैक से, ठीक है भाई। एंड अपने इसकी बीवी के पास इसे छोड़ देते हैं बेचारे को। दबाओ पोटैटो खाता भाई? नहीं ब्रेड नहीं खाते। और क्या है हमारे पास? वीट तो गाइस हमारे पास है नहीं, इसका क्या ही करेंगे। ग्लोइंग एक बार मैं ऊपर जाके सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, डायमंड चेक करके आया। अगर हमारे पास डायमंड है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो 32 डायमंड है, डायमंड कह रहा हूँ, आयरन 32। इससे बड़े तो मैं यही पहन लूंगा लैंड एमेंडिंग एंड ब्रेकिंग 2 भाई। थोड़ा इतना सा ही सामान है। अब चलो गोल्डन चेस्ट प्लेट फाइनली अपने को है हमारे पास, एक गोल्डन सोर्ड। इन सबको मैं यहीं रहने दूंगा, इन सबको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा। अपना आयरन है, रो आयरन, इसको पकाने के लिए रखता हूँ अभी। बाकी हमारे पास सामान तो है भाई। हाँ तो चलो अभी एक बार इसमें से वीट वीट अभी नहीं निकालता मैं। मैंने इसमें से क्या करना है, एक बार रो आयरन लगाता हूँ और इसमें से वो भी उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें पता है ना हम क्या देख के आए हैं अभी। गोल्डन ब्लॉक तुमने नोटिस करा हो तो, या आई एम राइट? अगर आपने देखा है गाइस तो आपको नोटिस जरूर करा होगा गोल्डन ब्लॉक वगैरह कहाँ पे है। तो फटाफट से इसको चलते हैं यहाँ पे लगा देते हैं। एक आधे फर्नेस में कहाँ लगा, तो यहीं लगा देते हैं, इसको रख लेते हैं, ठीक है। आयरन लगा देते हैं एंड अपनी एक बार ए इसको लेदर को हटाओ, इसको पहन लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, क्राफ्टिंग टेबल पर जाना है। हमें सबसे पहले एक चीज बनानी, उसके बाद हमें एक बूट्स बना रहे हैं, उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक हेलमेट का है। तो चलो अपना आयरन का सामान तो बन चुका है सारा, बाकी गोल्डन चेस्ट प्लेट है। चलो अब फिलहाल हम इतने भी ज़्यादा गरीब नहीं है, पैसा है तो बड़ी 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 बात है। सारा एक बार सामान खाली कर दूंगा, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे भी ये भी नहीं चाहिए,
पहले भी नहीं चाहिए भाई, इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ है, इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तुम्हें क्या होगा, इसको रख दो, इसको ये देखो क्या 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 पता नहीं अपने आप आ जाता है। बाकी का सामान इसमें खाली कर देते हैं। नहीं ये तो कभी बाय चांस नीड पड़ जाए तो चाहिए, शुगर केन भी नहीं चाहिए अभी फिलहाल हमको। अभी मुझे अपना शुगर केन फार्म भी बनाना है, बहुत सी चीज़ें जो मुझे अभी रिपेयर करनी है, ठीक है। और अभी तो फिलहाल मेरा सारा इधर उधर बिखरा हुआ सामान पड़ा है, बल्कि इतना बहुत है। अभी सबसे पहले नीचे चलता हूँ, अपना मतलब जो अपना वो था क्या नाम है इसका, फार्म खाने वाला, इसको मैं रिपेयर कर देता हूँ फटाफट, इसको मैं खा लेता हूँ। तो चलो अपना ये तो लग चुका है, एंड अब क्या है, अब क्या करना भाई हमें, एक आई थिंक एक स्टैक, चलो एक स्टैक आ चुका है और एक स्टैक थोड़ा सा 20 का लग चुका है। तो अब मुझे फटाफट से इसको भी करना है एट दी सेम फिलहाल। खाली 23 है, व्हाट इज दिस गाइस, सीड कहाँ है, अच्छा सीड है, खाली 23 ही आई है, 24 लगा लो एक वो बड़ी भाई, सीड इतनी आ गई है। और ये देखो इसको देखो ये कितना आया, कम से कम यार एक आधा स्टैक तो आता वीट का ही। तो चलो फटाफट से वीट निकालते हैं, अगर भाई खाते हैं वो तो उनको दे आते हैं, अगर नहीं खाते तो इतने रखने सारा मैं नहीं चाहता, खाना है खाए नहीं जाना फाड़ में, ठीक है भाई इसको खिला देते हैं। खा लो भाई, यार खा ही नहीं रहा, छोड़ो हम चलते हैं अपना सोते हैं, एंड बैम्बू भी काटने हैं जाके, फिर बैम्बू फार्म तो भी करना है, सबसे पहले घर रिपेयर करना है। तो मैं तुम्हें फटाफट से सुबह मिलता हूँ एक बार यार सोते जाके। फिलहाल कैमरा अपना थोड़ा टेम्परेचर वार्निंग आ गया, बट मैंने कूलर अपना अपनी तरफ से हटा के कैमरे की तरफ कर दिया, क्योंकि अभी कैमरा ज़्यादा जरूरी है, मुझे पसीने आ जाए, आई डोंट केयर। हाँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें भाई बता रहा था, मतलब मैं ये पार्ट तो वैसे इंट्रो में जाएगा जो मैंने अभी थोड़ा सा शूट किया। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक बार चेक करना अपना क्या क्या दिक्कत हुई है, जैसे कि भाई तुम यहाँ देखो शवल है, हमारे पास शवल नहीं है तो हम इसी से तोड़ देते हैं थोड़े। तो फिलहाल जैसे भाई तुम देख सकते हो हमारा ये सब सब कुछ ये क्रीपरों ने ना भाई खराब कर दिया है। और अब तो मैं कसम से मुझे जहाँ ज़ॉम्बी दिखाना मैं मारूंगा, अब मैं चाहे मर जाऊँ ठीक है, पर उससे जरूर मारूंगा भाई मैं। यार इतनी मेहनत लगती है भाई 68 लेवल करने में, यार उन्हें कौन बताया भाई, उन्होंने क्या क्या हुआ, 2 मिनट में मार दिया मेरा तो 68 लेवल करता हूँ, मुझे बताना भाई मुझे कैसा दुख हो रहा है। बस कोई नहीं भाई, अपना बदला और अपनी दुश्मन ये ज़ॉम्बी और क्रीपर से जारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने चलो मारा ठीक भाई मेरी साड़ों भाई वो भी हटा दी पिकक्स पिकक्स, मेरा मेरा गोल्ड का पूरा आर्मर एंचांटेड आर्मर एंचांटेड पिकक्स भाई सब 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 खत्म कर दिया भाई। बट कोई नहीं, अपनी जो दुश्मनी है गाइस उनसे जारी रहेगी ना, उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ ठीक है भाई। मुझे पता भाई कितना दुख होता है यार भाई, इतनी मेहनत करके मैंने गोल्ड वाइड करा, मैं कहाँ पे गया गोल्ड माइन करने, किनसे लड़ाई करी मैंने ठीक है भाई, पर उनको कौन समझाया भाई कितनी मेहनत लगी। अरे रिस्पोन हो दो मुझे एक बार, रिस्पोन हो दो ढंग से फिर लड़ो, रिस्पोन होते ही मार दिया यार, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं फालतू की बकचोदी दे रहा हूँ, मुझे क्या करना, मैं कुछ सोच के नहीं बैठा, मुझे कुछ नहीं सोचा आज का कंटेंट क्या होगा, मैंने बस खाली कैमरा चालू करा और ये अपनी एलईडी लगाई, एंड क्योंकि सन का ना मैं नहीं चलाता भाई, मेरे बस की नहीं होती भाई गर्मी में इतना बैठे बंदा, आई थिंक 36 हाफ शेक बहुत हुआ। हाँ तो मैं कह रहा था सनगन सुनगन भाई नहीं लगा रहे, मैंने एलईडी यही लगा के इसको स्टार्ट कर दी, शेडो शूडो आ रही होगी इस साइड थोड़ी एडजस्ट कर ले रहा,
हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई, मैं तो भूल ही गया मैं क्या कह रहा। हाँ बकचोदी पहले गए यार। हाँ तो मैं क्या ही कह रहा था, थोड़ा थोड़ा भूल चुका हूँ मैं क्या कह रहा था तुम्हें। जब याद आएगा तब तुम्हें वापस ज्ञान पहलना चालू होता है। बट जो दुश्मनी उन्होंने स्टार्ट करी है ना भाई, मैं नहीं छोड़ सकता उसे, मैं भूल ही नहीं सकता उस दुश्मनी को, मुझे पता है ना भाई। अबे जहाँ भी भाई चीज़ें एन्चांट करने जाओ वो भी लेवल मांगते हैं, 7 लेवल में क्या ही एन्चांटमेंट मिलेगी मुझे, क्या मिलेगी एन्चांटमेंट भाई, थोड़ा सा सबर कर लेते यार। ये देखो क्या ही हाल कर दिया उन्होंने मेरे यार, यहाँ का सारा सबकी सारी चीज़ों की ऐसी। चलो अपना बाकी सामान काम तो रिपेयर हो गया, तो ये मेरा नीचे जाता है सारा शिफ्ट वगैरह। चलो कोई नहीं, इनको नहाने दो, पीछे गर्मी तो नहीं हो रही है बेचारी, वो भी नहा रही है। तो मुझे अभी अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी सबसे पहले आई थिंक मेरे पास ब्रिक्स है, मेरे पास अपना कोबल स्टोन है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना, अपने कोबल स्टोन को स्मूथ स्टोन में, अपने कोबल स्टोन को स्टोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको मुझे स्टोन में कन्वर्ट करना। क्या आवाज चल क्यों नहीं रहा, भाई इसको क्या हो गया। अच्छा ये इन्फेस्ट, अरे ये अलग तरीके का कोविड स्टोन है गाइस, आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा अलग वाला, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई, छोड़ो। अब हमें बूढ़े हमारे पास, अरे एक ही खुल जाता है बार बार, हम आपको बूढ़े बूढ़ खरीद चुके हैं, अगर नहीं है ना तो बड़ी दिक्कत है। है बूढ़े है, बूढ़े है, बूढ़े है, कहाँ है वो कहाँ, अरे अभी तो यही थी। अच्छा इसमें भाई यही तो थी, एंड प्लैंक्स की भी नीड है। चलो अपना थोड़ा वो जो सामान है वो मुझे यहाँ मिल चुका है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले बाहर जाना है, एक भेस बनाना है। तुम्हें मैं बताऊं मैं क्या बना रहा हूँ, चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं बना रहा हूँ गाइस एक छोटा सा ट्रेडिंग होल, जो कि अभी स्टार्टिंग का ट्रेडिंग होल होगा हमारा। सो अभी हमारे पास पेड़ वेड़ तो है नहीं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने ट्रेडिंग होल की बाउंड्री। तो 3 4 5 ठीक है, 5 5 का गैप रखे। ओके सो इसके ऊपर भी लग गया, वो ये क्या हो गया। अच्छा वो ये कहाँ से आ गए, अबे यार ये तो दूसरे वाले कोबल शुल्ड, ओ शिट मैन मैं पहले भी इन्हीं से मरा था। अबे भाई ये कहाँ से आ गए यार, अबे यार ये कोबल शुल्ड से ये होता है तो मैं यार इसको यूज ही नहीं करता भाई, यूज ही नहीं करता। तो सबसे पहले से मैं एक बार जाता हूँ यार नॉर्मल कोबल स्टोन लेके आता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। ओके गाइस, हाँ तो फाइनली गाइस मैं सारा सामान लेके अपना आ चुका हूँ। एक बार मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग अपनी एकदम प्रॉपरली हो रही है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं सारा सामान लेके अपना आ चुका हूँ और रात भी हो चुकी है, तो सबसे पहले नीचे जाके सोते हैं। एंड भाई उन्हें भी मैंने मार ही दिया, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैंने उन्हें भी मार दिया। अपना थोड़ा 8 लेवल हो चुका है 7 से, जल्दी से 9 भी होएगा। एंड हमारे पास ब्रिक्स बना चुका हूँ, मैं बहुत काम कर चुका हूँ आते ही, जो कि 2 दिन तो हो ही चुके हैं मुझे, बाकी इसको फटाफट से लगाते हैं। भाई मुझे एक चीज़ समझ आ गई, जो हमने लास्ट में वो करा था ना, क्या नाम है उसका, मैं इस साइड बनाने की सोच रहा हूँ, जो हमने लास्ट में वो करा है ना, तो एंड ड्रैगन को मारते वक्त हमने जो वो लगाया था 3 4 5 हमने क्या लगाया था एंड ड्रैगन को मारते वक्त,
हमने एंड्रॉइड ट्रक में मारा था, क्या लगाया था भाई? हाँ, हमने जो ये इन्फिनिटी पता नहीं क्या नाम था इस ब्लॉक का, जो भी ब्लॉक्स का नाम था, हमने जो ये ब्लॉक्स यूज करे थे, तो भाई यही रीजन है इसका जाने का। ठीक है भाई, इसके आने का 1 2 3 4 5 6 7 ओके 1 8 8 1 2 3 4 आई थिंक एक बड़ा हो चुका है, तो इधर भी एक बड़ा कर देते हैं, बाद में कर देंगे। बाकी अभी मैं अपना, मेरे पास पिकैक्स भी नहीं लाया यार मैं, एंड मुझे कम से कम इसको यहाँ तक खींचना है। ठीक है भाई, तोड़ने तोड़ने वाला काम मैं बाद में करूंगा, वह घर जाऊंगा फिर पिकैक्स ठा के लाऊंगा भाई, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। 1 2 3 हाँ, तो घर जाना, पिकेक्स खाना लाना ही पड़ेगा। आई थिंक पिकेक्स है, हाँ पिकेक्स है, पिकेक्स है, पिकेक्स है, पिकेक्स है। यार लाया था मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे याद रहता नहीं है थोड़ा सा। तो फटाफट से इसके ऊपर का तोड़ देता हूँ एक, और क्या तोड़ना, और तो मुझे कुछ तोड़ना ही नहीं फिलहाल। मुझे क्या करना है, फटाफट से इसके ऊपर चार खींच रहे हैं, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 अब तो गाजर आ गई, गाजर खाओ, अब तो खाने की कमी नहीं है फिलहाल। तो मुझे यहाँ से 1 2 3 ठीक है भाई, 1 2 3 तो ये हमारा ये रहेगा हमारा छोटा सा गेट, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा ट्रेडिंग हॉल नहीं रखेंगे। अगर हाँ, अगर भगवान की दुआ से काम अच्छा चलता रहा तो हम और भी बड़ा ट्रेडिंग ऑन कर लेंगे। बाकी हम यहाँ पे लगाते हैं एक, तो बीच में आएगा गाइस ग्लास है ना, तो उस वजह से कोई फायदा नहीं रहेगा। तो जो मुझे वुड का क्या काम था, हाँ मैं वुड भी निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि वुड का थोड़ा सा काम है जो कि मैंने हल्का फुल्का जो सोचा है, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलते हैं गेट के साथ आखिर कांच रहेगा तो होएगी दिक्कत है ना गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे सेम इस साइड, तो ये तो हो चुका इस साइड गाइस है ना। अंदर हम बाकी बेड वेड लगा देंगे, सुंदर सा बना देंगे। और मुझे इस साइड कुछ नहीं करना, इस साइड सीधा अपने कोबल की अपनी ब्रिक्स भरी जाएगी, इसको फटाफट से लगा देता हूँ। तो एक बार मैं तुम्हें फटाफट से ये करके देता हूँ, ठीक है। गाइस अपना जो ट्रेडिंग फार्म है वो हो चुका है भाई कंप्लीट। बाकी तुम चेक करो मैं कितनी चीज़ें लगा चुका हूँ, ये देखो भाई जो जो मेरे घर में थी वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। एंड बाहर मैं इनको कैद नहीं करना चाहता, ये इनका एरिया एकदम ओपन घूमने का। एंड अभी मैं यहाँ पे बंद ही रखूँगा, क्योंकि मैंने भाई हर जगह पूरी अपने यहाँ पे एरिया में अपनी फेंसिस नहीं लगाई, तो इस वजह से मैं इसको बंद रखूँगा। जब मैं फेंस पूरा हो जाएगा भाई, फेंस वाला काम, तो मैं आफ्टर इसको भी भाई लगा ही दूंगा। तो एक बार मैं नीचे ना चले जाऊं तो इसकी एक इसको बंद कर देते हैं, हाँ इसको भी बंद कर दे फिलहाल। अभी मुझे क्या करना है, मुझे क्या, हाँ मुझे एक बोर्ड लेके आना है, तो बोर्ड यहाँ पे लगाना है। नाम भी पता तो लगेगा कि चीज क्या है ये, तो बोर्ड आई थिंक कहीं यहीं कहीं होना इसमें, ऑफलाइन बोर्ड। एंड भाई सामान फिर से पूरा पूरा कबाला भर चुका है, बट अब कोई नहीं, अब तो क्या ही करना है, आ गया नहीं आया, अब तो क्या ही करना, तो खाली सारा काम हो चुका है, इसको
जब दोबारा कुछ बनाए इसको बढ़िया सा करेंगे तब इसको यहाँ पर रखेंगे। अब तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ यहाँ पे शेडिंग और तो होल की स्पेल नहीं होते ना, आई थिंक यही बॉल बी ए डबल एल बॉल एच डबल हाँ हॉल। तो भाई अपना ये ट्रेडिंग डन, होल बन चुका पड़ा, इसको बाकी लाइट लूट करेंगे ला के। तो फिलहाल तुम चेक करो कितना बढ़िया लग रहा है ना भाई। तो बस गए आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाए। अगर आप चैनल पर भाई नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी नई गेमिंग वीडियो के साथ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गाइस सभी को जय श्री राम।